उदाहरण सात, एक शंकु के आकार के तंबू में 65 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगा है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई 13 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हल, माना शंकु की त्रिज्या आर मीटर, ऊंचाई एच मीटर और तिर्यक ऊंचाई एल मीटर है। दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 13 मीटर, शंकु के आकार के तंबू में लगा, शंकु के आकार के तंबू में लगे कपड़े का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 65 पाई। हम जानते हैं कि शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल बराबर 65 पाई, या आर का मान होगा 65 पाई बटा पाई एल, या आर बराबर पाई पाई अंश और हर से कट जाएगा 65, और एल जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमारे पास दिया गया है 13 मीटर। इस तरह से हमने ज्ञात किया आर बराबर त्रिज्या, जो है त्रिज्या आर बराबर 13 एकम 13, 13 पंचे 65, तो त्रिज्या हो गई हमारी आर बराबर 5 मीटर। अब हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर वर्गमूल एच की घात 2 धन आर की घात 2, या एल की घात 2 बराबर एच की घात 2 धन आर की घात 2, या एच की घात 2 बराबर एल की घात 2 ऋण आर की घात 2। तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो हम तिर्यक ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर हम यहाँ पे रखें, 13 की घात 2 ऋण त्रिज्या है 5 मीटर, तो 5 मीटर हमने रखा, और 13 की घात 2 जो है 13 × 13 169 ऋण 5 का घात 2, 5 × 5 = 25, तो इस तरह से हमने h की घात 2 का मान 144 निकाल लिया है, या h बराबर जो है वर्गमूल 144 होगा, या h बराबर 12 मीटर। तो हमने ज्ञात किया शंकु के आधार के तंबू की त्रिज्या पांच मीटर और ऊंचाई बारह मीटर है। तो इस तरह से हमने शंकु का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 65 पाई दिया था। इससे इसकी सहायता से हमने त्रिज्या ज्ञात किया, शंकु की त्रिज्या, जिसमें हमने शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल सूत्र को 65 पाई के साथ बराबर तुलना किया और आर का मान ज्ञात किया। चूँकि हमारे पास तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, पाई पाई कट गया, पाई आर का पक्षांतर किए, पाई और पाई यहाँ पे ऊपर नीचे से कट गया, अंश और हर से 65 और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर लिखे, 65/13 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से त्रिज्या हमने 5 मीटर ज्ञात किया। आर बराबर 65/13 मीटर और इसके बाद आर का मान हमने 5 मीटर ज्ञात किया और तिर्यक ऊंचाई जो है एल बराबर हम जानते हैं वर्गमूल एच की घात 2 धन आर की घात 2। एल की घात 2 जब इसका हम दोनों तरफ में वर्गीकरण करेंगे तो एल की घात 2 बराबर एच की घात 2 धन आर की घात 2, या एच की घात 2 आर की घात 2 का पक्षांतर करेंगे तो एल की घात 2 ऋण एच की घात एल की घात आर की घात 2 का पक्षांतर करेंगे तो एच की घात 2 बराबर एल की घात 2 ऋण आर की घात 2। तिर्यक ऊंचाई जो है 13 मीटर दिया है तो 13 की घात 2 ऋण 5 की घात 2। 13 की घात 2 13 × 13 169 ऋण 25 144 हुआ। एच की घात 2 का मान 144 हुआ, या एच बराबर वर्गमूल 144, या एच का मान यहाँ पे 12 मीटर होगा। इस तरह से शंकु के आधार के तंबू की त्रिज्या 5 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर हमने ज्ञात की। यह इस उदाहरण का हल होगा।